दोस्तों, परम पूज और मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम राजन तिवारी है। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की, ग्रेजुएट केमिस्ट्री ऑनर से किया। कुछ दिनों तक इन्होंने नौकरी भी की और फिर वो 2001 में परम पूज प्रेम मूर्ति संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी के सानिध्य में आकर उन्होंने अपना स्वरूप ही बदल लिया। मित्र, रायन जी महाराज किसी पैसे के मोहताज नहीं है। खड़ी बोली के साथ साथ भोजपुरी व अवधि में उन्हें कंठस्थ से निकलने वाले भजन की खनक लोगों को अपनी ओर खींचती है। उनके श्रीमुख से निकलने वाले एक एक शब्द श्रोताओं को अध्यात्म की रूपी गंगा में पवित्र स्नान कराती हैं। दोस्तों, वर्ष 2011 में रायन जी महाराज ने कथा वाचना शुरू किया। फिर वे भक्तों को भगवान राम से जुड़ी कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे वे प्रसिद्ध कथावाचक बन गए। आज देश विदेश से कोने कोने में पंडालों में उनकी राम कथाओं को सुनने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। उनके कई भजन और गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सीताराम 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 कहिए। दोस्तों, ये भजन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, देश और विदेश में इनकी राम कथा और गीत और भजन प्रसिद्ध हैं। रायन जी भोजपुरी और मैथिली भाषा में भक्ति के गीतों को सुर देने के लिए विख्यात हैं। विदेशों में भी उनकी कथाएं होती हैं। मित्रों, ब्रिटिश सांसद ने रायन जी महाराज को सम्मानित भी किया है और उनकी रामकथा और गीत भजन सुनकर लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। दोस्तों, परम पूज राजन जी महाराज एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वो अपनी कथाओं से सभी का मन मोह लेते हैं। पूज्य राजन जी महाराज की कथा युवा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को रामायण एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। कई युवाएं उन्हें तो अपना आदर्श भी मानते हैं। वे अपनी कथा और भजन के लिए लाखों रुपए लेते हैं जो उनकी कथा व्यवस्था में लगाते हैं, ताकि कथा सुनते समय लोगों को कोई भी समस्या ना आए और आराम से वो कथा सुन सकें।